आपका मेरे चैनल कुक विद रचना में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मशरूम की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन सब्जी है, पर एक बार आप हमारे स्टाइल से ये सब्जी बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए ये मशरूम की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए अब झटपट से बनाना स्टार्ट करते हैं मशरूम की सब्जी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मशरूम ले लिया है। इसे 2 मिनट तक गर्म पानी में उबाल लिया है और फिर इसे निकाल कर इसे पतले पतले काट लिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार ये बड़ा या छोटा कट कर सकते हैं। इसे मैंने यहाँ पे पतले पतले काट लिए हैं। ये कट करके 2 कप हो गए हैं। अब इसके बाद हम एक कढ़ाई या पैन गर्म करेंगे। आप जिसमें भी बनाना चाहते हैं वो ले लें और गर्म कर लेंगे। और उसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और उसमें कटे हुए उबले हुए हम मशरूम डाल देंगे और उसको हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि बाद में और थोड़ा नमक डालेंगे, इसलिए अभी थोड़ा ही नमक डालेंगे। और इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया। अब इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब फिर वापस से उसी कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो दूसरा कढ़ाई भी ले सकते हैं। मैंने उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब तेल गर्म होने के बाद 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे तड़के के लिए। और उसके बाद 1 खड़ी लाल मिर्च को तोड़ करके डाल देंगे। आप चाहें तो मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च भी कट करके डाल दिए। अब हम इस स्टेज पर 2 मीडियम साइज के प्याज कट करके डाल देंगे। मैंने यहाँ पतले पतले स्लाइस में कट करके डाला है। आप चाहें तो फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं या अनियन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। अब ये लगभग फ्राई हो गई है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक को कद्दूकस करके डाल देंगे और उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसी स्टेज पर 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये लगभग फ्राई हो गई है। अब इस स्टेज पर इसमें 1 बड़े टमाटर पतले पतले स्लाइस में कट करके डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं या फाइन चॉप करके भी टमाटर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पतले पतले स्लाइस में कट करके डाला है। और यहाँ पर 1 चम्मच मसाला मिक्स पाउडर मैंने डाला है। इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च का मसाला मिक्स पाउडर है, वो मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है, 1 टेबल स्पून। अब इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने जब मशरूम फ्राई किया था तो मशरूम में भी हमने थोड़ा सा नमक डाल करके फ्राई किया था, इसलिए इसमें थोड़ा कम नमक डालेंगे। और इसे ढककर टमाटर को गलने तक पका लेंगे। ये अच्छे से गल जाएगा, ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा ढकने से। और फ्लेम को यहाँ पर लो कर देंगे। लो करने से टमाटर अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा पक गया है। अब फ्लेम को मीडियम करके अच्छे से सारे मसाले को फ्राई कर लेंगे। ये लगभग मसाला फ्राई हो गया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए मशरूम डाल देंगे और उसे भी अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मसाला और मशरूम को मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। अब 1 से 2 मिनट तक हमने मसाला को और मशरूम को फ्राई कर लिया। अब यहाँ पर 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी पाउडर डाल देंगे और उसे भी 1/2 से 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे।
और उसके बाद आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और उसे भी आधे से एक मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। ये लगभग फ्राई हो गई है, अब गैस को बंद कर लेंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है और बनी भी बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपकी ये रेसिपी कैसी बनी कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो मैं मिलती हूँ ऐसी ही नई नई मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।